तो जी पुरवैया ने ही आपको सबसे पहले बताया था कि आखिर नीतीश कुमार की कैबिनेट में ऐसे कौन कौन से चेहरे होंगे जो शामिल होंगे। आइए एक बार हम फिर से बताते हैं कि हमने कौन से नाम आपको बताए थे और उन्हीं नामों पे मुहर लगी और उन्हीं लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। तो जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए हैं सुपौल से विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एमएलसी कोटे से है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इन्होंने भी मंत्री पद का शपथ लिया है। पहले भी मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबियों में इनका नाम शुमार है। इसके साथ एक अहम नाम है परसा से विधायक चंद्रिका राय का, आरजेडी के कोटे से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर से विधायक हैं, आरजेडी के कोटे से इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। पहले भी मंत्री रहे हैं और बिहार सरकार में काम करने का इनका अनुभव है, लालू के करीबी हैं। अशोक चौधरी पीसीसी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है और इन्होंने भी शपथ लिया। ये वही नाम है जो हमने आपको पहले भी बताया था कि ये मंत्री बनेंगे। मदन मोहन झा विधान पार्षद हैं, कांग्रेस कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया है। एमएलसी हैं मदन मोहन झा, पीसीसी के वरिष्ठ नेता हैं और हमने पहले ही आपको बताया था जी पुरवैया ने कि ये भी मंत्री बनेंगे। राघोपुर से विधायक तेजस्वी यादव, इन्होंने नंबर दो पर शपथ लिया है, डिप्टी सीएम बनेंगे तेजस्वी, मंत्री पद की शपथ ले ली है आरजेडी के कोटे से। और जी पुरवैया ने आपको पहले ही बताया था कि राघोपुर से तेजस्वी विधायक चुने गए, तेजस्वी नंबर दो की हैसियत रखेंगे सरकार में। महुआ से विधायक चुने गए तेज प्रताप यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली, आरजेडी के कोटे से मंत्री बनाया गया है, लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। एक और अहम नाम अमौर से चुनाव जीतने वाले अब्दुल जलील मस्तान का, जिन्हें कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनाया गया है, इन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो कांग्रेस के कोटे से अमौर के विधायक मंत्री बने हैं। एक और अहम नाम है जो कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने हैं, वजीरगंज के विधायक अवधेश कुमार सिंह, पीसीसी के वरिष्ठ नेता हैं और इन्हें भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, अवधेश कुमार सिंह ने भी शपथ ली है। महिषी के विधायक अब्दुल गफूर ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, आरजेडी के कोटे से मंत्री बनाए गए हैं अब्दुल गफूर। एक और अहम नाम मंत्री बनने वालों जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, राजा पाकड़ के विधायक शिवचंद्र राम ने, जिन्हें आरजेडी के कोटे से मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही शपथ लेने वालों में नाम है नोखा की विधायक अनीता देवी का, जिन्होंने आरजेडी के कोटे से शपथ लिया है।